हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। वेलकम आपका हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहे। तो गाइज, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें क्योंकि CRSU यूनिवर्सिटी की BEd की डेट शीट आ गई है जो आपके साथ शेयर कर दी जा रही है अभी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये डेट शीट है BEd और MEd की CRSU चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद की। ओके, तो ये डेट शीट आज ही आई है तो एक बार चेक कर लेते हैं कौन सी डेट शीट है ये दोबारा से। तो जैसे कि आप देख पा रहे, डेट शीट एंड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स रनिंग इन NCT RCI अप्रूव्ड कॉलेजेस। ओके, NCT और RCI से अप्रूव्ड जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनकी डेट शीट है ये। तो एक बार देख लेते हैं। तो पहला पेपर यहाँ पे 26 तारीख को होगा, 26 अक्टूबर को, BEd सेकेंड ईयर का। ये है नॉलेज एंड क्यूरिकुलम का। उसके बाद यहाँ पे ये कई कोर्सेज दिए गए हैं, ये देखिए BPS, MPS। उसके बाद BEd का सेकेंड ईयर का 27 तारीख को एग्जामिनेशन होगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग का। ठीक है, यहाँ पे मॉर्निंग बैच में है 10 AM से लेकर। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे मैं टाइम बता दूंगा इंस्ट्रक्शन में जो भी टाइम दिया गया है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन होने हैं और MCQ बेस्ड होने हैं। ठीक है, तो एक बार आगे देख लेते हैं तीसरा पेपर कब है सेकेंड ईयर का। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे, BEd का तीसरा पेपर सेकेंड ईयर का 28 तारीख को होगा, 28 अक्टूबर को, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का। ओके, उसके बाद आगे देख लेते हैं कब होगा एग्जामिनेशन। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे चौथा पेपर होगा, फोर्थ पेपर 29 तारीख को होगा, 29 अक्टूबर को, BEd सेकेंड ईयर का, लैंग्वेज अक्रॉस क्यूरिकुलम का। ठीक है, आगे देख लेते हैं कब होगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है BEd का यहाँ पे पेपर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे, 30 तारीख को। ठीक है ना, ये रहेगा अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट। ओके, 30 तारीख को। उसके बाद आगे देख लेते हैं कब है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है 31 तारीख को, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का। उसके बाद ये रेगुलर पेपर है यहाँ पे, दो 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 यहाँ पे कंटिन्यू पेपर चलेंगे सेकंड ईयर के। पहला पेपर यहाँ पे वर्क एजुकेशन का, हेल्थ फिजिकल एंड योगा का, उसके बाद पीस एजुकेशन का, उसके बाद गाइडेंस एंड काउंसलिंग का। ये सेकंड ईयर के पेपर होते हैं। ठीक है ना, 2 तारीख को इकट्ठे होंगे। ठीक है ना, जो भी इलेक्टिव सब्जेक्ट लिए गए हैं उनके एक दिन पेपर हैं ये। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे BEd फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन होगा आपका, ये देख लेते हैं कब है, 3 तारीख का। तो 3 तारीख से BEd फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का पहला पेपर है। ठीक है, ये भी मॉर्निंग टाइम में होगा। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं फर्स्ट ईयर का कब है पेपर। उसके बाद फर्स्ट ईयर का पेपर है 5 तारीख का। ठीक है, 5 तारीख को यहाँ पे होगा, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। ओके, उसके बाद यहाँ पे आगे देख लेते हैं कब है एग्जामिनेशन BEd फर्स्ट ईयर का। ये पूरी डेट शीट है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। तीसरा पेपर यहाँ पे ये मिल गया 6 तारीख को है, लर्निंग एंड टीचिंग का। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन 7 तारीख को भी हैं। पहला यहाँ पे 7 तारीख को हिंदी का है, पैडागोजी का, और पैडागोजी को इंग्लिश का है। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं, उसके बाद ये भी आगे पैडागोजी, पैडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस, सोशल साइंस, पैडागोजी ऑफ कॉमर्स, पैडागोजी ऑफ आर्ट, ये इकट्ठे 8 तारीख को हैं। ठीक है, अलग अलग टीचिंग सब्जेक्ट के अलग अलग हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं, यहाँ पे 9 तारीख का भी एग्जामिनेशन है, 9 नवंबर का, यहाँ पे पैडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। उसके बाद है यहाँ पे 9 तारीख का ही इकोनॉमिक्स का, और उसके बाद है कंप्यूटर साइंस का, ये भी 9 तारीख का, और उसके बाद पैडागोजी ऑफ म्यूजिक, ये भी 9 तारीख का है। उसके बाद आगे देख लेते हैं कब है, उसके बाद BEd फर्स्ट ईयर के हैं यहाँ पे 10 तारीख को, पैडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स एंड ये पैडागोजी ऑफ होम साइंस। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं, ये रहे BEd फर्स्ट ईयर के 12 तारीख को, पैडागोजी ऑफ पंजाबी, पैडागोजी ऑफ उर्दू। ओके, तो ये पेपर है। एक और रह गया यहाँ पे BEd फर्स्ट ईयर का, ये 11 तारीख को था, यहाँ पे पैडागोजी ऑफ संस्कृत का। ठीक है, तो ये रही आपकी डेट शीट, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन को, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, क्या क्या हैं, इफ़ देर इज एनी डिस्क्रिपेंसी इन एन क्लैश ऑफ इन डेट शीट, अगर कोई पेपर छूट जाता है तो इसमें डेट शीट में, तो आप मेल कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के पास इस मेल आईडी पे। ठीक है, 15 तारीख तक
15 अक्टूबर तक। उसके बाद द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन विद लाइव मॉनिटरिंग, एमसीक्यू बेस्ड होंगे और ऑनलाइन होंगे। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, द कॉलेज कंसल्ट एंड प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अप्रोप्राइट ऑनलाइन ट्रेनिंग टू दोज स्टूडेंट हु मे नॉट बी एक्वेंटेड विद ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड डो नॉट हैव फैसिलिटीज फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ये कॉलेज की जिम्मेवारी है या कॉलेज को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना है, बच्चों को पहले ऑनलाइन ट्रेन करना कि कैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे, द स्टूडेंट कैन टेक एग्जामिनेशन ऑन डेस्कटॉप या लैपटॉप पर आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं या एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर दे सकते हैं। फ्रंट कैम या वेब कैम आपके पास होना चाहिए और इंटरनेट की गुड कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद पाँचवा पॉइंट यहाँ पे रहेगा, एक क्वेश्चन का एक मार्क मिलेगा आपको, ठीक है। तो अभी यहाँ पे छठा पॉइंट है, अगर 80 MCQ है तो 60 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, 70 MCQ है तो 53 मिनट का, 60 MCQ है तो 45 मिनट का, और 40 MCQ है तो 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। उसके बाद सातवां पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सातवें पॉइंट में कहा गया है, द जगलिंग इन सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन शैल बी डन, क्वेश्चन पेपर का जो खाली सीरियल नंबर है उसमें जगलिंग कर सकते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे जा सकते हैं, बट आप एक बार अपना पेपर सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद आप पीछे नहीं जा सकते, ठीक है। उसके बाद नहीं आप दोबारा से चेंज कर सकते हैं आंसर में। उसके बाद यहाँ पे लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन एंड अदर डिटेल फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी अवेलेबल ऑन वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी बाय 10/10/2020। 10 अक्टूबर को आपका लिंक मिल जाएगा, ऑनलाइन अपनी जो भी रजिस्ट्रेशन करना है आपको या अपनी जो पर्सनल डिटेल आपको डालनी है वहाँ पे, ईमेल आईडी वगैरह मेंशन करनी है, ठीक है, तो वो 10 तारीख तक आप कर सकते हैं, ठीक है। 10 तारीख को यहाँ पे लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नौवा पॉइंट कहा गया, यूज़र आईडी दी जाएगी आपको, आपकी यूज़र आईडी अगर आप रेगुलर स्टूडेंट है किसी कॉलेज के तो वहाँ पर कॉलेज में मिलेगी आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड, आपको कॉलेज द्वारा दिया जाएगा। अदरवाइज अगर आप रीअपीयर के अगर पास आउट स्टूडेंट है, पास आउट हो चुके हैं, मान लो जैसे 2016-18 का बैच है या 17-19 का बैच था आपका, तो पास आउट हो चुके हैं, अगर आपका री का पेपर है तो आपकी जो ये पासवर्ड और आपकी जो यूज़र आईडी होगी वो आपकी ईमेल आईडी पे या आपके नंबर पर भेजी जाएगी। उसके बाद दसवां पॉइंट है, द स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू हिज हर अकाउंट 30 मिनट बिफोर स्टार्टिंग टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन। पेपर या एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से 30 मिनट पहले आपको लॉग इन करना होगा अपनी आईडी से। उसके बाद देख लेते हैं ग्यारहवां पॉइंट, कैमरा के सामने से नहीं उठ के जाना है, कैमरा से सामने से अगर आप उठ के जाते हो तो आपकी UMC मानी जाएगी, ठीक है। बारहवां पॉइंट हम देख लेते हैं, द स्टूडेंट शैल फॉलो द ऑल द इंस्ट्रक्शन अवेलेबल एंड फील रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन ऑन द ऑनलाइन पोर्टल बिफोर द स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से पहले उसको अपनी जो भी रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन है वो ऑनलाइन पोर्टल पर उसको फील करनी होगी, ठीक है। उसके बाद आपको एडवाइज करा जाता है कि आप डेली अपनी वेबसाइट पर विजिट करें, वेबसाइट पर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, जहाँ से आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो वो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।